साथियों, लेह लद्दाख देश के उन हिस्सों में है जहां शेड्यूल ट्राइब्स मेरे जनजातीय भाई बहनों की आबादी काफी मात्रा में है। दो दिन पहले केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है इसमें एससी एसटी के विकास पर बहुत बल दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए बजट में लगभग 30% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि दलितों के विकास के लिए लगभग 35% अधिक बजट का आवंटन इस बार किया गया है। बजट में एसटी वेलफेयर के लिए जो 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, इससे अब शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं में बढ़ोतरी होने वाली है। भाई और बहनों, केंद्र सरकार देश के हर उस नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है जिन्हें कुछ कारणों से विकास का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। इस बजट में सरकार ने घुमंतु समुदायों के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला किया है। ये वो लोग हैं जो अपनी जीवन शैली की वजह से कई बार मौसम की वजह से एक ही स्थान पर टिककर नहीं रह पाते। ऐसे में इन लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी बहुत मुश्किल होता है। अब इन लोगों के लिए सरकार ने वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला किया है ताकि सरकार जो विकास कार्यों को लेकर आगे चल रही है इन विकास कार्यों का लाभ इन परिवारों तक, इन समुदायों तक जो आजादी के 70 साल के बाद भी नहीं पहुंच पाया है, उनको तेजी से पहुंचे।